हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गूगल प्ले बैलेंस या जो गूगल प्ले रिवार्ड या क्रेडिट होता है उसे पेटीएम कैश में कन्वर्ट करना या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज गूगल की तरफ से ऑफिशियली गूगल प्ले बैलेंस को कहीं भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर या पेटीएम कैश में कन्वर्ट करने का ऑफिशियली कहीं भी ऑप्शन है। इसलिए आपको गूगल पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर या पेटीएम कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं उस ऐप को पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो चलिए मैं सीधे यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इस ऐप का नाम है रिवार्ड टू कैश। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस रिवार्ड टू कैश ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओके, ओपन होने के बाद आप किस अकाउंट के बैलेंस को पेटीएम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे यहाँ सेलेक्ट करें। तो चलिए मैं इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद से यहाँ नोट में कुछ लिखा है। तो फ्रेंड्स ये नोट में लिखा है, यू विल रिसीव 60% ऑफ द अमाउंट यू हैव कन्वर्टेड। इट विल टेक 7 to 15 डेज टू क्रेडिट टू अमाउंट इन योर अकाउंट। प्लीज़ रीड FAQ फॉर मोर डिटेल्स। फ्रेंड्स ये कह रहा है आप जो भी प्ले बैलेंस रिडीम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसका 60% ही आपको मिलेगा और वो 7 to 15 डेज वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। ओके, तो आप इसका ध्यान रखें। उसके बाद से यहाँ आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पेमेंट मोड में पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेपल है, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ आपको अमाउंट, मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ 25 रुपीज़ है, उससे आप यहाँ ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। 25 रुपीज़ से आप कम सेलेक्ट नहीं कर सकते मिनिमम अकाउंट। तो चलिए मैं 25 रुपीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद से यहाँ आप अपना नेम एंटर करना है जो आपके पेटीएम या फ़ोनपे अकाउंट में है। ओके, जिस नेम से आपका पेटीएम, फ़ोनपे या जो भी अकाउंट है पेमेंट मेथड वाला, उसे यहाँ आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। सॉरी गाइज। उसके बाद से आपको यहाँ आपका जिस नंबर से आपका फ़ोनपे या पेटीएम या जो भी पेमेंट मोड में आप जो भी सिलेक्ट किए हैं वो अकाउंट है, उसे यहाँ उस नंबर को यहाँ एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नेम यहाँ आपका दिख जाएगा, फ़ोन नंबर दिख जाएगा, उसके बाद पेमेंट मोड दिख जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ अमाउंट दिख जाएगा और यहाँ गूगल पे चार्जेस 30% है, उसके बाद से सर्विस चार्जेस 10% है, उसके बाद से टोटल आपको पेबल आपके अकाउंट में जाएगा 15 रुपीज़ जाएगा। अगर 25 रुपीज़ को आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके अकाउंट में 15 रुपीज़ जाएगा। ओके, उसके बाद से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वन टैप टू बाय पर, तो आपको यहाँ आपका गूगल पे बैलेंस दिख जाएगा। उसके बाद से आपको वन टैप बाय पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से आपको अपना पासवर्ड, यहाँ आपका जो भी पासवर्ड है आपके इस ईमेल का, वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, ईमेल का जो पासवर्ड है आपके ईमेल अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको यहाँ आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करें तो प्रोसेसिंग हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, उसके बाद से आपको ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, उसके बाद से आपका कैश ऑर्डर डेट 14 मई 2021, तो आपका कैश ये मतलब यहाँ मेल भी आ गया है गूगल की तरफ से, आपका मतलब यहाँ गूगल की तरफ से मेल भी आ चुका है कि आपका जो 25 रुपये उसका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, और ये जो बताया है इस ऐप ने 7 to 15 डेज वर्किंग डेज में आपका जो भी अमाउंट है वो आपके पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र, आप जो भी मेथड सेलेक्ट किए होंगे पेमेंट मेथड उस अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 7 to 15 डेज वर्किंग डेज में। तो आप उतना डेज वेट कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप गूगल प्ले बैलेंस या जो गूगल प्ले रिवार्ड है क्रेडिट होता है उसे अपने पेटीएम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।